अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है, कैसे हो। तो अभी बज रहे हैं दुबई में 3:30 रात के, तो हम निकले हैं मैं और मेरे दोस्त मुस्तंग। क्या हाल है मुस्तंग, कैसे हो। बस ठीक हूँ, आप कैसे हो। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सडनली बन गया प्लान कि सहरी करेंगे साथ में, तो हम लोग निकल पड़े सहरी के लिए। अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं अच्छा वो रेस्टोरेंट जहाँ पे हम वहाँ पे बैठे और हमारी सहरी करें। ये अभी दुबई का है मंजर, ये रोड देखो इतना खाली है। अभी जैसी ही सुबह होगी ये रोड में आपको चलने की जगह नहीं मिलेगी, हमें सिर्फ गाड़ी गाड़ी और ट्रैफिक ट्रैफिक ही रहेगा। ये देखिए सिर्फ खाली है। और एक और बात है कि अगर दुबई में अगर तुम्हें ड्राइविंग के मजे करने हैं तो रात पर ड्राइविंग करो, फुल रोड खाली मिलता है और एक सुकून भी आता है ड्राइविंग करने के लिए। क्या बोलते हो मुस्तफ भाई, बस एक नंबर चल रहे थे। नींद में होगी नहीं, नींद आधी हो गई है भाई, और बस नींद होशियार हो गया मैं आधी रात में, और हम लोग चले सहरी के लिए। बस तो हम लोग सहरी के लिए भी ढूंढ रहे हैं रेस्टोरेंट, अगर मिल जाता है तो इंशाल्लाह आप लोग को जरूर बताएंगे। तो भाई हम लोग अभी रात और हो रही है, ढूंढ रहे हैं हम लोग अभी भी रेस्टोरेंट, एक तो दिखा है, देखते हैं कि वहाँ पे जाके क्या मिलेगा और कैसे रहेगा। तो ये एरिया, एक्चुअली ये एरिया शारजाह के अंदर है, और नींद आ रही है यार, सच में नींद आ रही है। खा पी के थोड़ा सा नमाज पढ़ के फिर सोएंगे। आगे से आगे वाला है, यहाँ पे रेस्टोरेंट भी अच्छा रेस्टोरेंट है खाबिर करके, पठान का है। ये भी पाकिस्तानी ये वाला नहीं है, हमें आगे जाना है। यहाँ इस लाइन में रेस्टोरेंट 2-3 अच्छे अच्छे हैं, तो हम लोग को आगे वाले में जो लाइन लगी हुई ना गाड़ियों की, उसके आगे यहीं पे लगाएंगे क्या गाड़ी। आगे आगे देखो, आगे मिलेगा नहीं मिलेगा, शायद नहीं मिलेगा वहाँ पे पार्किंग। अरे टेंशन नहीं लो, आगे एक बार तुम लो तो सही मिल जाएगा। अरे नहीं भाई, ट्रैफिक मिल जाता है। और यहाँ पे जो है ना थोड़ा लंबा यूटर लगता है, मालूम है ना दुबई में शारजाह में भी तो ये है ना भाई। बोला तुम्हारे को अपनी वहाँ पे अब रेस्टोरेंट है यार, ये मुश्किल। ये बंद मिल गया यार, यहाँ पे बेस्ट चिकन मिलता है एक्चुअली, बढ़िया बंद है। हम लोग किधर ढूंढेंगे अभी भाई, शहरी की शहरी के लिए रेस्टोरेंट की तलाश में हम लोग भटक रहे दुबई दुबई और शारजाह, मगर ना मिला रेस्टोरेंट और ना मिला क्या भाई, होटल ओपन। हाँ होटल ओपन, जैसे वो बोलता है ना कौन से मूवी में, ना बिका प्याज और ना बिका आलू, आधा कांदा आधा कांदा। तो हम लोग ढूंढ रहे हैं, हमारी किस्मत में जो हमें लिखा है आज सहरी करना करके जरूर जाएंगे भाई। भाई हम लोग भटक भटक के एक्चुअली अपने एरिया में आगे जहाँ पे नया मंडी था, तो वो खुला हुआ है और वो बहुत अच्छा भी है, तो वहाँ पे हम लोग अभी जा रहे हैं। तो मुस्तफा भाई वो कहावत है ना, वो भूले भटके घर को, बोला घर को वापस आया तो उसको भूला नहीं कहते। हाँ तो वही हाल हो गया अपने साथ में, पूरा छाजा भटक लिया हम लोग और हम लोग को वापस घर पे आना पड़ा, तो हमारे बाजू ही है नया मंडी। तो भाई हमारी अभी शहरी में हम लोग ने मंगा लिया है, ये है नया मंडी की चिकन हंडी। ये देखिए ये माशाल्लाह तड़प रही है, तड़प रही है बाहर आने के लिए। और साथ में हमने मंगाया रोटी जो हम लोग खाने वाले, फ्रेश फ्रेश रोटी, इन्होंने रायता भी दिया हुआ है। इसमें लग रहा है ये आया मेरे पास पहला, ये अपनी सहरी है आज की, थोड़ा डालेंगे भाई ये। हाँ चलो भाई खाना शुरू करते हैं अभी यार। भाई माशाल्लाह हमारी अभी सहरी हो चुकी है, हमने वहाँ पे आपको दिखाया हमने क्या खाया, और हम लोग अभी पानी लेके आ गए बाहर, वॉक करते करते पानी पी रहे, खाना भी बचा होगा और पानी भी पी लेंगे। और अभी हम लोग ढूंढेंगे, अभी नेक्स्ट से ढूंढेंगे हम लोग मीठा, राइट, मीठा के साथ चाय, मीठे के बाद में चाय पीएंगे, चाय पी के साथ। हाँ चाय मैं पीता नहीं जैसे आप लोगों को पता है, बट मेरा भाई चाय पिएगा, तो चलो ढूंढते हैं अभी वो लोग मीठा प्लस चाय, मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो क्योंकि अभी टाइम ख़त्म होने वाला है और मतलब नहीं हो, मुझे लग रहा है आसार लग रहे हैं सामने रेस्टोरेंट में कि मीठा उल्टा ख़त्म हो गया है, तो फिर भी ढूंढते भाई वहाँ बैठे बैठे। तो भाई हम लोग को मिठाई तो मिली नहीं क्योंकि सारी चीज़ ख़त्म हो गई, यहाँ पे सहरी के टाइम भी भीड़ लगी हुई है, तो
तो अभी हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं हमारा व्लॉग और हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ने के लिए और फिर सोने के लिए, क्योंकि रात भर सोए नहीं है भाई, तो अब जाना पड़ेगा।